वेरी गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन, टुडे इज मैथ्स क्लास, है ना। आज हम मैथ्स में हमारा चैप्टर 10 मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मेजरमेंट के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा, लेट अस रिवाइज इन द प्रीवियस क्लास, यानी कि प्रीवियस क्लास में हमने वी हैव लर्न मेजरमेंट, हमने मेजरमेंट के बारे में सीखा था। हियर वी विल स्टडी मेजरमेंट इन मोर डिटेल, यहाँ पर हम मेजरमेंट के बारे में और ज़्यादा स्टडी करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हाउ लॉन्ग आर दिस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर देखिए आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, इनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट लॉन्ग है, ये देखिए पेंसिल लॉन्ग, ये वाली है ना, क्रेयॉन लॉन्ग, पेन लॉन्ग, स्पून लॉन्ग, है ना। मेजरमेंट ऑफ लेंथ इन अर्लियर डेज, यानी कि पहले दिनों में पीपल यूज द बॉडी पार्ट्स टू मेजर द लेंथ, जो लोग होते थे वह मेज़र करने के लिए, नापने के लिए, है ना, लेंथ के लिए अपनी बॉडी पार्ट का यूज़ करते थे। फिंगर एंड आर्म्स स्पैन, फिंगर और आर्म का, ये देखिए इस तरीके से नापते थे, है ना, हैंड स्पैन, पेस और क्यूबिट, इस तरह से वह लेंथ की लंबाई नापते थे, है ना। देखा होगा आप लोगों ने, अभी भी बहुत से लोग करते हैं, है ना। स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ लेंथ, अब लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट के बारे में देखेंगे। मेजरमेंट बाय बॉडी पार्ट्स वारी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, देयर फॉर ए स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट नेम्ड रूलर इज यूज्ड। वी मेजर लेंथ इन सेंटीमीटर एंड मीटर। स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट जिसे हम लेंथ नापते हैं उसे क्या कहते हैं, रूलर का ज़्यादातर यूज़ करते हैं, आप लोग भी रूलर का यूज़ करते होंगे, है ना। वी मेजर लेंथ, वो कैसे लेंथ का मेज़र करते हैं, सेंटीमीटर और मीटर में, है ना। वी राइट सेंटीमीटर एस सी एम एंड मीटर एस एम, सेंटीमीटर को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, सी एम, और मीटर को एम। स्मॉलर लेंथ आर मेजर्ड इन सेंटीमीटर, जो स्मॉलर लेंथ होती है मेज़र की उसे हम सेंटीमीटर में मेज़र करते हैं, वाइल बिगर लेंथ आर मेजर्ड इन मीटर, और जो बड़ी लेंथ होती है उन्हें हम मीटर में मेज़र करते हैं। ये देखिए ये रूलर यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, 1 मीटर बराबर कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर, ये आप लोग याद रखना है ना, 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। लेट अस फाइंड द लेंथ ऑफ अ पेंसिल, चलिए हम पता करते हैं कि पेंसिल की जो लेंथ है, ये पेंसिल इसकी लेंथ कितनी है। फॉर दिस फर्स्ट प्लेस इट्स 1 एंड 8 मार्क 0, अब ये देखिए कहाँ पर होती है, 0 पर। द रीड द मार्क ऑफ द रूलर विच कोइंसाइड्स द अदर एंड, और यहाँ पर एंड होती है। अब यहाँ से देखिए कितनी इसकी लेंथ है, 0 से लेकर यहाँ पर 6, यानी कि सर लेंथ ऑफ दिस पेंसिल इज 6 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर, इस तरह से आप हम देख सकते हैं कितनी है। अब यहाँ देखिए 0 से नाप, 1 2 3 4 5, तो कितनी हुई इसकी पेंसिल की, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसी के बेसिस पर हम हमारी जो एक्सरसाइज 10.1 है वो हम करेंगे, चलिए इसे हम कॉपी में करते हैं। तो आप लोग अपनी अपनी मैथ्स की कॉपी में यहाँ पर लिखेंगे यूनिट 10, फिर लिखेंगे मेजरमेंट्स, ना फर्स्ट लिखेंगे वी मेजर लेंथ इन सेंटीमीटर एंड मीटर, है ना, हम किस तरह से सेंटीमीटर और मीटर की लेंथ लिखें। वी राइट सेंटीमीटर एस, मैंने बताया था सेंटीमीटर कहते हैं सी, एंड मीटर एस एम, 1 मीटर बराबर कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। आप सेकंड देखिए, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट आर ग्राम एंड किलोग्राम शॉर्ट फॉर्म एस जी, एंड किलोग्राम शॉर्ट फॉर्म एस के जी, है ना। तो इसमें हम वेट को क्या लिखेंगे, ग्राम, और किलोग्राम को जी, तो क्या हो जाएगा शॉर्ट फॉर्म में, 1 kg, यानी कि 1000 ग्राम। अब थर्ड देखिए, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटी आर मिलीलीटर एंड लीटर, मिलीलीटर और लीटर को कैसे लिखेंगे, वी राइट मिलीलीटर इन शॉर्ट फॉर्म एस एम एल, एंड लीटर इज शॉर्ट फॉर्म एस एल, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, ठीक है। तो बच्चों ये हमारी जो एक्सरसाइज है 10.1 मेजरमेंट वाली, ये हमारी कंप्लीट हो गई है ना। तो आप इसे घर पर अच्छे से याद कर लेना, है ना, इसकी किस तरह से हम लेंथ निकालेंगे, किस तरह से मेज़रमेंट के बारे में, आप सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, ये सब आप अच्छे से याद कर लेना। ओके बच्चों, हैव अ गुड डे, बाय।